5 सितंबर सन 2019 को राजस्थान का एक थाना पड़ता है बहरोड़। इसी थाने में थाना अध्यक्ष और उनके कुछ हमराही सिपाही एक चेकिंग लगाते हैं एक चौराहे पर, और इस चौराहे पर उन्हें एक जीप आती दिखाई देती है। और इस जीप को ये पुलिस वाले जब पकड़ते हैं, यशो साहब पकड़ते हैं, तो उन्हें इसमें बैठा हुआ जो एक शख्स था वो लगता है कि संदिग्ध है। और उससे जब पूछताछ की जाती है तो कई चीज़ों में हड़बड़ा जाता है। तब यशो कहते हैं कि इसको थाने ले चलते हैं, और इसे बहरोड़ के, राजस्थान के बहरोड़ के इसी थाने ले आया जाता है। और थाने में बाकायदा इसको बैठाया जाता है, शाम का खाना पीना इसको दिया जाता है। पुलिस इससे पूछताछ करती है, लेकिन ये अपना नाम छुपा लेता है और अपना जो नाम बताता है वो कोई दूसरा नाम बता देता है। वास्तव में जो इसका नाम था वो पुलिस वालों को नहीं पता चल पाता है। और रात बीतती है, अगले दिन यानी कि 6 सितंबर 2019 को अभी सुबह 8 बजे होते हैं, सारे पुलिस वाले उठकर अपना फ्रेश हो रहे होते हैं, ब्रश मंजन करके अपने नाश्ते की रास्ता देख रहे होते हैं। इसी बीच कम से कम 40 से 50 लोगों की भीड़ जो AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों से लैस थी इस थाने के अंदर घुस जाती है, और थाने में बिना किसी से कुछ बात किए ही लगातार फायरिंग होने लगती है। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस थाने में करीब 50 से 60 राउंड फायरिंग होती है। और इस थाने में वह शख्स जो कल रात को पकड़ कर आया था, यानी 5 सितंबर 2019 की रात को पकड़ कर पुलिस द्वारा लाया गया होता है, उसको ये 40 से 45 लोगों की वह भीड़ जो कई तरीके के विदेशी हथियारों से भी लैस थे छुड़ा ले जाते हैं। पुलिस को ये चीज़ें पता चलती है कि जिसको हम रात पकड़ कर ले कर आए थे उसने अपनी पहचान वास्तव में हमसे छुपा ली थी। ये तो बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है, और एक ऐसा हिस्ट्री सीटर है जिसे हरियाणा के पुलिस को बहुत ही सरगर्मी से तलाश है। ये हिस्ट्री सीटर था कौन और इसका पूरा नाम क्या था, आखिर कौन थे जो छुड़ा कर उसको ले गए, और इस हिस्ट्री सीटर की पूरी कहानी क्या थी, वही जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीयकाल, क्या हालचाल, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बटन का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई ऐसी तमाम कहानियों का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो भारत में हिस्ट्री सीटर तो आपने बहुत देखे होंगे, पर इस हिस्ट्री सीटर की कहानी ये थोड़ा अलग सा ट्विस्ट है। भारत का यह एकमात्र ऐसा हिस्ट्री सीटर है जिसके खिलाफ अगर किसी व्यक्ति ने कोर्ट में जाकर गवाही दी तो उस व्यक्ति को हमेशा मौत के नींद सुला दिया है। भारत का मात्र एक ऐसा हिस्ट्री सीटर जिसकी कहानी किसी दूसरे की प्रेम कहानी से शुरू होती है और अपनी प्रेम कहानी पर आकर खत्म हो जाती है। भारत का एकमात्र ऐसा हिस्ट्री सीटर जिसने अपने गुरुजी की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया का रास्ता चुन लिया। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा से। हरियाणा प्रदेश का एक जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में एक गाँव पड़ता है खरौली, इसी गांव से ये कहानी शुरू होती है। यहाँ पर एक किसान थे, उनके एक बेटे का जन्म होता है, और ये बेटा धीरे धीरे देखते हुए करीब 18 से 22 साल की उम्र पूरी कर लेता है। और चूंकि गांव में फौज में लोगों को जाने का एक क्रेज था और गांव के अधिकांशता लोग फौजी होते हैं, इस गैंगस्टर के पिता भी चाहते हैं कि हमारा बेटा अब 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है तो वो भी सेना में जाकर भारत माँ की सेवा करे और अपने घर की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें हिस्सा बढ़ाए। इस गैंगस्टर के घर परिवार में कई फौजी बताए जाते हैं, और गांव में तो पूछिए नहीं, गांव में 80% से ज़्यादा आपको फौजी देखने को मिल जाएंगे। अब धीरे धीरे ये बंदा जो 22 साल की उम्र का था, ये धीरे धीरे फौज की तैयारी करने, वहाँ पे एक ग्राउंड होता है जिस ग्राउंड में सारे बच्चे उस गांव के सुबह शाम तैयारी करते हैं फौज में भर्ती होने की। अब ये युवा भी उसी ग्राउंड में जाने लगता है जहाँ इसके गांव के सारे लोग फौज में भर्ती होने की तैयारी करते हैं, पर ये सिलसिला बहुत दिन नहीं चलता है।
करीब करीब 5-6 महीने बाद अब इसका दौड़ने, कसरत करने, इन सब का दिमाग वहाँ से उठता है और इसके सर पर भूत सवार होता है पहलवानी का। अब अपने पिता से कहता है, पिताजी पहलवानी में भी तो अच्छा खासा कैरियर है। तो पिताजी कहते हैं, ठीक है, आप जो है शक्ति सिंह के अखाड़े पे चले जाना और मेरा नाम बता देना, आपको वहाँ एडमिशन, आपको वहाँ दाखिला मिल जाएगा और आप पहलवानी सीखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुल मिला के आपको घर का खर्चा चलाना है और एक अच्छी दिशा में अपने जीवन को ले जाना है। अब ये बच्चा पहुँचता है वही उसी गाँव में, एक अखाड़ा होता है जिसके अखाड़े के गुरु का नाम था शक्ति सिंह। अब शक्ति सिंह को वहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो बताते हैं, वो शक्ति सिंह का उस समय में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनको उनका बहुत शक्ति सिंह का बहुत ज़्यादा मान जान करते थे। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। उस गांव में एक लड़की रहती है और एक उसी गांव के बगल का एक फौजी रहता है जिसका नाम संदीप बताया जाता है। अब संदीप उस गाँव में लगातार गाँव में आता जाता रहता है, लोगों के कानों से होकर इस अखाड़े तक पहुंचती हैं। तो शक्ति सिंह एक दिन उस फौजी को बुलाता है, शक्ति सिंह उस संदीप फौजी को बुलाता है और संदीप से कहता है, देखो आप शादीशुदा हो फौजी भाई, तो आप ये सारी चीज़ें ना करो, ये कहीं ना कहीं से आपके परिवार के लिए और समाज के लिए कहीं ना कहीं से बुरी हैं और इसका एक समाज में गलत संदेश जाएगा। अब धीरे धीरे दिन गुजरता रहता है, फौजी संदीप के अंदर किसी भी बात का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो उसी तरीके से आते हैं उस गांव में और उस लड़की से लगातार वैसे ही मिलते रहते हैं जैसे वो पहले मिलते रहते हैं। अब शक्ति सिंह को जब दोबारा पता चला कि संदीप सिंह को समझाने के बाद संदीप नहीं समझा, तो एक गांव की पंचायत बुलाई जाती है। शक्ति सिंह और उनके कई चेले जो पहलवानी का भी काका गागा सीख रहे थे, उनके कई चेले और पहलवानों के गुरु शक्ति सिंह और संदीप सिंह और गांव की पूरी पंचायत बुलाई जाती है और उसमें ये तय किया जाता है कि अगर संदीप सिंह दोबारा इस तरीके की कोई भी गतिविधि करते पाए जाते हैं या इस लड़की से, इस तथाकथित लड़की से दोबारा गांव में मिलने के लिए आते हुए पकड़े जाते हैं, तो इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाती है। अब समय करीब 1 महीने बीत जाता है, संदीप सिंह इस गांव में आना बिल्कुल छोड़ देता है, जी की आदत नहीं मानती है और फिर वो अचानक गांव में कई दिनों तक लगातार दिखाई पड़ता है। अब शक्ति सिंह को लगता है कि कहीं ना कहीं मैं एक ऐसा शख्स हूँ, मैं एक ऐसा गुरु हूँ जिसको समाज में बहुत सम्मान मिलता है, लोग मेरी छोटी सी कही हुई बातों को मान लेते हैं, पर ये फौजी कैसा आदमी है जो मेरी कही हुई बातों को हमेशा से इग्नोर कर रहा है और इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और फिर अगले दिन संदीप फौजी को शक्ति सिंह पहलवान द्वारा, जो उस अखाड़े के गुरु जी थे, वहां बुलाया जाता है अखाड़े में और अखाड़े में संदीप फौजी की जमकर धुनाई होती है। वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकलता है और वहां से निकलने के बाद कुछ दिन तक वो इस गांव में नहीं आता है और उसे आत्मग्लानी होती है कि मुझे इन लोगों ने मिलकर मारा और उसके अंदर एक बदले की भावना भड़क जाती है। अब पहलवानों के गुरु शक्ति सिंह और संदीप के बीच अदावत शुरू हो जाती है और साल 2013 में संदीप कई दिन से सोच रहा था कि इन पहलवानों के जो गुरु जी हैं शक्ति सिंह का मर्डर आखिर कैसे हो, और नवंबर 2013 में संदीप सिंह मौका पाते ही शक्ति सिंह की निर्मम हत्या अखाड़े के अंदर घुसकर कर देता है। अब ये बात वहाँ के गांव वालों को बहुत नागवार गुजरी और शक्ति सिंह का एक परम शिष्य जिसका नाम आगे हम बताएंगे आपको, इसको भी बहुत नागवार गुजरी। अब इस छोटे से पहलवान ने अपने गुरु की हत्या होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में कसम खाई, कसम ये खाई कि चाहे जो भी हो, जिंदगी रहे या ना रहे, पर मैं अपने गुरु शक्ति सिंह की मौत का बदला जरूर लूंगा। सिंह फौजी को ये लगता है कि मैंने शक्ति सिंह को, जो मेन इस पूरी कहानी में रोड़ा आ रहा था, उनको रास्ते से हटा दिया, अब उनका बदला लेने वाला कोई नहीं है, पर ये संदीप फौजी की बहुत बड़ी भूल होती है। और साल आ जाता है 2013 में मई का महीना था, गर्मी का मौसम था, संदीप फौजी के मामा उनके घर पर आए हुए थे, उनकी माँ थी और संदीप फौजी, तीनों बैठ के आपस में बात ही कर रहे थे। इसी दौरान गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू होती है और जिसमें संदीप फौजी, उनकी माँ और उनके सगे मामा की निरसंस हत्या कर दी जाती है। और इस
हत्या के बाद एक बड़ा नाम निकल कर आता है जो छोटी उम्र का नाम था। अब धीरे धीरे देखते देखते ये छोटा नाम जुर्म की दुनिया का बेताज पाता बन चुका था। अब पुलिस ने इस शख्स के ऊपर FIR दर्ज की और इसको न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से इसको सजा मिली और 3 साल बाद यानी सन 2017 में जब जेल से एक वाहन से पुलिस इसे ला रही थी कोर्ट में, उसी दौरान उस वाहन के ऊपर कई अज्ञात बदमाशों ने लगातार फायरिंग की और ये शख्स भागने में कामयाब होता है। अब इस शख्स के ऊपर हरियाणा पुलिस ने 1,00,000 रुपए का उस वक्त का मोस्ट वांटेड का इनाम घोषित किया। अब इस शख्स को पुलिस लगातार 2 साल ढूंढती है लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं लगता है कि आखिर पुलिस कस्टडी में जेल से कोर्ट ले जाने के दौरान भागा हुआ ये शख्स है कहां। पुलिस अपने सारे दांव पेच पुलिस के पास खोजने के लिए अस्त्र शस्त्र रहते हैं। पुलिस ने सारा अस्त्र शस्त्र अपना लगा लिया लेकिन फिर भी शख्स का पता नहीं चलता है। अब ये शख्स भाग कर चला जाता है महाराष्ट्र के कोल्हापुर। तो वीडियो में पहले ही बताया कि वो एक पहलवान रहता है, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इसने एक जिम की तलाश की जहाँ पे वो समय से जिम जा सके। अब जिम में जाने के दौरान वो धीरे धीरे जिम जाता रहता है, 3-4-5-6 महीने का वक्त बीत जाता है। अब इस जिम में जो जिम की मालकिन थी और जिम की ट्रेनर थी जिया उद सहर, वो एक लेडीज होती हैं और इस शख्स को उस जिम की ट्रेनर और जिम की मालकिन से धीरे धीरे प्यार हो जाता है। जब जिम की मालकिन उससे पूछती हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तो अपना नाम बदल कर बताता है, अपने नाम की आइडेंटिटी को वो छुपाए रहता है। और धीरे धीरे करते करते 3 साल का समय गुजर जाता है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए आतुर होते हैं। शादी का समय भी तय होता है, तारीख भी तय होती है और स्थान भी तय होता है। इसी दौरान हरियाणा पुलिस को एक इनपुट मिलता है कि यह शख्स जो यहां से लगातार कई सालों से पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है और हरियाणा पुलिस का एक मोस्ट वांटेड है, वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक जिम की ट्रेनर के साथ संबंधों में है, वहां पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब इस दौरान हरियाणा पुलिस महाराष्ट्र के कोल्हापुर कूच कर जाती है और एक दिन रात के 12 बजे इस जिम के ट्रेनर के फ्लैट के दरवाजे बाहर पर और हरियाणा पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस दोनों की संयुक्त टीम ने इस घर पर छापा मारा और जब लॉक तोड़ा गया तो अंदर से जिया उद सहर और ये सख्त बरामद होता है और पुलिस इसे पकड़ कर ले आती है और इसे आजीवन कारावास की सजा होती है। ये शख्स अब एक जेल में अपने आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स कौन था जिसकी मैं अभी तक बात कर रहा था। दोस्तों ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ये शख्स था पपला गुजर, जिसकी कहानी हमने आपको सस्पेंस में रख कर सुनाई। पपला गुजर को शायद ही कोई ऐसा हो जो खौफ की दुनिया में पपला गुजर के नाम से परिचित ना हो। सोशल मीडिया पर आपको पपला गुजर से जुड़ी तमाम वीडियो, तमाम कहानियां, बहुत सारी सामग्रियां मिल जाएंगी पढ़ने और सुनने को। दोस्तों पपला गुजर की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक रोचक एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।